कांग्रेस चलने के बाद राहुल की बढ़ोतरी कन्हैया अब अपनी राजनीति को लेकर आज वक्त नजर आ रहा है तो कांग्रेस को पार्टी के नौजवान हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डेफिनेटली इट विल गिव ए वेरी स्ट्रांग मैसेज to the country that young generation, those who are fighting for the needy people, poor people, those who are fighting for non-violence, they must enthusiasm through this entry of our young leaders to the Congress party. आज यही ने समाजवादी लिहाजा कन्हैया से पार्टी को काफी कन्हैया पार्टी ने अपने विरोध से नाराज कर रखे थे। हाल ही में बेगूसराय का एक कार्यक्रम किया गया था तो इसमें कन्हैया कुमार से बंद हो चुका है। तो इससे पहले भी पार्टी में कन्हैया कुमार के खिलाफ पारित किया गया था। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। वही कांग्रेस की जीत के संबंध में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कन्हैया कुमार की विजेता लेने के मौके पर ट्वीट करके आला कमान को 1973 में जीता कम्युनिस्ट कांग्रेस द्वारा प्रदर्शित करा। 1973 में जीता कम्युनिस्ट कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है, और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन दोनों नेताओं की पार्टी में शामिल होने का मजा काफी अभिनंदन से गिरा कर दिया। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने से काफी नाराज है, उनको हटाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सॉरी अमरिंदर कहा था, बदले में कैप्टन अमरिंदर ने अब सॉरी सोनिया के लिए तैयारी रखी है। लिहाजा खबरों के मुताबिक कैप्टन मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने दिल्ली पहुँच गए हैं। मैंने कहा था अबे यार फाइट में दो आदमी अनस्टेबल है जी, आप ही दिखा दिया उससे आज रेजिग्नेशन कर दिया सिद्धू को। जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ क्या कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की आयाराम जयराम की शुरुआत हो गई है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के शामिल होने से पहले की पार्टी मुख्यालय के बाहर पोस्टर और बैनर लगा दिए गए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में आने वाले के मुकाबले पार्टी में होने वाले तादाद ज्यादा नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह जिन्हो प्लेनियो ने पार्टी छोड़ी। समझा जा रहा है कि प्लेनियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद प्लेनियो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में कांग्रेस के पास बहुमत के लिए जरूरी 30 विधायकों का समर्थन था, लेकिन पार्टी के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने उन्हें राज्यपाल के पास जाने से रोक दिया था। गोवा में पिछले 4.5 सालों में 18 में से 13 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की पूर्व विधायक ललितेश त्रिपाठी ने पार्टी छोड़ दी है। ललितेश यूपी चैंपियन केंद्रीय रेल मंत्री और पार्टी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे कमलापति त्रिपाठी के परिवार से आते हैं। इस परिवार का वाराणसी से लेकर पूर्वी यूपी के बड़े इलाके में खासा प्रभाव है। इससे पहले बीजेपी में शामिल हुए त्रिपाठी को यूपी मंत्री बना दिया गया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राजनीति को संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो कांग्रेस सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। उनके भाई अभिजीत मुखर्जी पहले की पार्टी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। असम से कांग्रेस सांसद रही चंद्रिका देव और पहले तृणमूल कांग्रेस की विशेषता दे चुकी है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस के युवा नेताओं का पार्टी की मुहिम होता जा रहा है और टीम राहुल बनने की तैयारी नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त अभियान खूब रंग ला रहा है।